नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। पूर्वी इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। चुनाव में हैकिंग को लेकर अमेरिका और रूस में बढ़ी तनातनी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 35 रूसी राजनयिकों को निकाला, रूस ने भी दिया जवाब। इंग्लिश भाषा पढ़ाने वाले 28 अमेरिकी संस्थानों को तत्काल बंद करने का दिया आदेश। आतंकी मसूद अजहर को बचा रहे चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा भारत। भारत को चीन के फैसले का इंतजार, चीन के रुख के बाद भारत उठाएगा अगला कदम। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज को लिखा खत, जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। अमेरिका के सिख पुलिस अधिकारियों के लिए राहत की खबर, न्यूयॉर्क पुलिस में सिख अधिकारी पहन सकेंगे पगड़ी। पगड़ियों का रंग गहरे नीले रंग और इस पर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का चिन्ह लगा होना जरूरी। और इराक में मौसूल को विद्रोहियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए फौज ने फिर शुरू किया अभियान। इलाके में करीब एक महीने से थमा हुआ था संघर्ष। मौसूल इराक का अंतिम शहर है जहां आईएस ने जमा रखा है कब्जा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।